अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लंबे समय से जेल में जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेल से ट्वीट कर रहे हैं, जेल से ट्वीट करने से जनता को समझ नहीं आ रहा है कि कौन व्यक्ति क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और एक दूसरे के बीच जो है वो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो भी जारी है। हर एक माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के ट्वीट करने से कुछ नहीं हो जाता है। सबको पता है कि नीतीश सरकार ने पिछले 15 वर्षों में क्या कुछ काम किया है, बिहार की जनता अच्छे से जानती है। नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों में बिहार को जातीय उन्मादा से तो दूर रखा है, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार ने ध्यान दिया है। तो इसलिए अगर लालू यादव ट्वीट कर रहे हैं और उन पर उंगली उठा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, बिहार की जनता को अच्छे से पता है। तो विशेष क्या कुछ कहा जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने, आप भी सुनिए। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लंबे समय से जेल में जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेल से ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट करके जिस व्यक्ति ने इस 15 साल में बिहार के सामाजिक समरसता को बनाने का काम किया, जिसने जातीय उन्माद से और धार्मिक दंगों से बिहार को निकालने का काम किया, जिसने युवाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने अपने 15 साल के शासनकाल में इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया, क्या तो बिहार की जनता सब देख रही है कि किसने घर घर बिजली लाए, किसने सामाजिक समरसता कायम किया, किसने हिंदू मुस्लिम एकता कायम किया, किसने किस तरह से बिहार को 15 साल बनाया है, जनता तो देख रही है। किन्हीं के जेल के ट्वीट करने से जनता को समझ नहीं आ रहा है कि कौन व्यक्ति क्या है। तो आपने सुना, जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि लालू यादव जिस सरकार पर उंगली उठा रहे हैं वो 15 सालों में बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, हर घर तक बिजली पहुँचाया है और साथ ही साथ बिहार में जातीय उन्माद को भी खत्म किया है। बिहार की जनता को भी पता है कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया है, यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।